ओनली 2 टेबलस्पून घी में बनी हुई यह पिन्नी बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है। आप इसे लड्डू भी कह सकते हैं। सर्दियों के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमा स्मार्ट किचन। आज हम बनाएंगे अलसी की हेल्दी पिन्नी। अलसी को जवस और फ्लैक्सीड भी कहते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिए। इससे आपको रेसिपी अपलोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा। साथ ही कमेंट करके बताइए सर्दियों के लिए आप और कौन सी रेसिपीज देखना चाहते हैं। चलिए बनाते हैं अलसी की पिन्नी। अलसी की पिन्नी बनाने के लिए सबसे पहले अलसी को अच्छे से साफ़ कर लीजिए। उसके बाद गैस पे एक कढ़ाई में चढ़ा दीजिए, चलाते हुए इसे भून लेना है। इसमें कुछ इस तरह की आवाज़ आने लगेगी और साथ ही ये बाहर उड़ने लगता है, इसलिए इस तरह से ढक्कन रखते हुए चलाते जाना है और जब तक इसकी आवाज़ बंद ना हो जाए चटचट वाली, तब तक इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे भून लेना है। इतनी अलसी भूनने में लगभग 5 से 7 मिनट लगेंगे। फ्लेम को बंद कर देना है। इसमें ही डाल देना है पफ चना दाल, मीन्स भुना हुआ चना दाल। आप छिलके वाला चना दाल भी ले सकते हैं, इसे फुटाना भी कहते हैं। भुने चने को भूनना नहीं है, सिर्फ इसमें मिला के रख देना है। इससे भुना चना भी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। अब एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून घी को गर्म कर लीजिए और फ्लेम को लो कर दीजिए और एक साथ पूरी गोंद डाल दीजिए। चलाते हुए इसे तल लेना है। हम इसे सिर्फ 2 टेबलस्पून घी में ही तल रहे हैं, इसलिए आपको फ्लेम को लो रखना होगा, चलाते हुए ही इसे तलना होगा। अगर आपको लग रहा है ये बीच में जल रही है तो फ्लेम को बंद कर सकते हैं, फिर से ऑन कर सकते हैं, चलाते हुए इसे तल लेंगे। ये कुछ इस तरह की हो जाएगी। देखिए कितने अच्छे से हो गई है, एकदम लो फ्लेम पर और 2 टेबलस्पून घी में ही। तले हुए गोंद को एक दूसरे बर्तन में निकाल लीजिए। सेम कढ़ाई में डाल दीजिए बादाम, लो फ्लेम पे 1 मिनट तक भून लेना है। अब इसमें ही डाल दीजिए काजू और 1 मिनट तक और भून लीजिए। फ्लेम को बंद कर दीजिए, इसे कढ़ाई में से निकाल लीजिए और अब गुड़ को इस तरह से चाकू की सहायता से कट कर लेना है छोटे छोटे पीसेस में। मैं यहाँ पे लगभग 300 ग्राम गुड़ यूज़ कर रही हूँ और अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप थोड़ा सा गुड़ और ले सकते हैं। सेम कढ़ाई में डाल दीजिए गुड़ और डाल दीजिए 2 से 3 चम्मच पानी, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। फ्लेम को लो टू मीडियम कर दीजिए। चलाते हुए गुड़ पिघलने तक हमें इसे कुक कर लेना है। चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ हमें गुड़ को पिघलाना है, इतना ही मेल्ट करना है। गुड़ पूरा मेल्ट हो जाए, देखिए इस तरह से करना है। गुड़ को दबाते जाइए, बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाएगा। जैसे ही गुड़ मेल्ट हो जाए फ्लेम बंद कर देना है और थोड़ा सा ठंडा होने देना है। देखिए गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है, इसमें एक अच्छा उबाल आ चुका है। फ्लेम बंद कर दीजिए। तले हुए गोंद को क्रश कर लेना है पोटैटो मैशर से या फिर किसी कटोरी की सहायता से आप इसे क्रश कर सकते हैं, पर इसे मिक्सी के पॉट में ग्राइंड ना कीजिए, नहीं तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा नहीं आता है। देखिए इस तरह से कर लीजिए, इसका एक बहुत अच्छा क्रंच आता है। अब तक भुनी हुई अलसी ठंडी हो चुकी होगी। ग्राइंडर में पफ चना दाल और भुनी हुई अलसी को ग्राइंड कर लेना है और इसमें ही डाल देना है। देखिए इस तरह का ग्राइंड करना है, एकदम महीन ग्राइंड कर लीजिए। अगर आपको दरदरा पसंद है तो दरदरा भी रख सकते हैं। इसी तरह पूरा पफ चना दाल और अलसी को हमें ग्राइंड करके इसमें ही मिला देना है। अब उसी ग्राइंडर में भुने हुए बादाम और काजू को भी ग्राइंड करके इसमें ही मिला लीजिए और अगर कुछ मोटे पार्ट्स रह गए हैं तो उसे आप निकाल सकते हैं। और अगर आप किशमिश पसंद करते हैं तो वो भी इसमें ही मिला दीजिए। साथ ही इसमें डाल देना है ड्राई अदरक पाउडर, जिसे हम सौंठ भी कहते हैं। साथ ही यहाँ पे मैं थोड़े से स्लाइस किए हुए पिस्ता, बादाम और काजू भी डाल रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो ना डालें। सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा ठंडा हो चुका गुड़, जिसे हमने थोड़ा सा पिघलाया था, उसे छन्नी की सहायता से छान के इसमें ही डाल देना है और अच्छे से मिला लेना है।
कभी कभी गुड़ में छोटे छोटे कंकड़ या फिर लकड़ी होती है, वो इस तरह से छानने से निकल जाएगी। देखिए अभी हल्का सा गुड़ का जो चाशनी है, चाशनी नहीं है एक्चुअली, ये थोड़ी सी गर्म है, इसी समय हमें मिक्स करके लड्डू बांध लेने हैं। जितनी जल्दी बांधेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसे बना लेंगे लड्डू। आप इसे अगर हाथों की सहायता से मिक्स कर सकते हैं तो ये और भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। हाथों में थोड़ा सा मिश्रण लीजिए, दबाते हुए लड्डू को बांध दीजिए, और अगर आप इसे गार्निश करना चाहते हैं तो बादाम से इस तरह से गार्निश भी कर सकते हैं। जब हम लड्डू बांध रहे हैं इसमें इस तरह से बादाम लगा देना है और लड्डू को दबाते हुए बांध लेना है। इस लड्डू को बांधने में बहुत ज़्यादा ताकत और समय नहीं लगता है, बहुत फटाफट बन जाते हैं। देखिए कितने टेस्टी दिख रहे हैं, साथ ही बहुत हेल्दी भी हैं। लीजिए तैयार है अलसी की पिन्नी, इसी तरह सभी लड्डू बना लेना है। अगर आपके पास वाइट पेपर पाउडर है, जिसे हम सफ़ेद गोल मिर्च भी कहते हैं, उसका पाउडर है तो आप इसमें हाफ टी स्पून वाइट पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं, उसका भी इसमें टेस्ट भी आता है, साथ ही वो खाने में बहुत हेल्दी भी होता है। आप देख सकते हैं लड्डू कितने सॉफ्ट बने हैं। अगर आपको लग रहा है इस मिश्रण से अब लड्डू नहीं बांधते आ रहे हैं तो हाथों की सहायता से इसे अच्छे से और मिक्स कीजिए और फिर लड्डू बांधना शुरू करिए, बहुत अच्छे से लड्डू बन जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। कमेंट करके मुझे बताइए कि आप इसे कब बना रहे हैं। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।